नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, चुनाव नज़दीक है। TV30 इंडिया की टीम पहुंच गई है हाथरस के सिकंदराउ क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे बात करते हैं चुनाव के बारे में, जानते हैं क्या कुछ समीकरण है सिकंदराउ क्षेत्र में। नावेद जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। मैं नवेद अहमद का कहते हैं, कांग्रेस से मैं प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का। यहाँ पे पिछली बार भी सरोज देवी थी कांग्रेस से ही, जो कभी भारी बहुमत से जनता ने उन्हें जिताया था। क्योंकि यहाँ कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो कि काम कर रही है और समय समय पर जो भी समस्याएं हैं जनता की, उनके लिए आवाज़ उठाती है, सड़कों पर निकल कर आती है। आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे राहुल गांधी वगैरह आज सड़कों पर हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी चाहे लॉकडाउन रहा हो उसमें भी हमने लोगों की मदद की, घर घर जाकर खाने के पैकेट बंटवाए। और भी बाज़ार की समस्या आई लॉकडाउन में बंद होने की, तो जो भी परेशानी आई व्यापारियों के साथ भी हम जुड़े रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर, अगर सिकंदराउ क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कैसी स्थिति है? क्या आपको मजबूत स्थिति दिखती है कि यहाँ से कांग्रेस अपनी सीट निकाल ले जाएगी? जहाँ तक नगर पालिका परिषद की बात है, मैं अपने उस पर भी काफ़ी मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं समय समय पर लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। समय पर अगर 1 बजे भी रात के मुझे कोई जनता का आदमी आता है मेरे घर पर, आवाज़ देता है कि मेरे साथ ये समस्या है, मैं उसके साथ जाता हूँ, उसकी समस्याओं का समाधान करता रहता हूँ। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरे साथ खड़ी हुई है। विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता है आपको, जैसे कांग्रेस पार्टी के वोटर नहीं थे या शहरी क्षेत्र से वो सहयोग नहीं मिला या प्रत्याशी जो है यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाया? क्योंकि जब अगर कांग्रेस ही हार के रही है तो आपको कैसे लगता है कांग्रेस नगर पालिका के चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज कराएगी? देखिए, जैसे विधायक का जो चुनाव हुआ था यहाँ पे MLA का, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बाहरी प्रत्याशी था, उसकी यहाँ पर पकड़ नहीं बन पाई। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की क्षेत्र में जाके उसकी पकड़ बनवाएं, लेकिन वो समय पर नहीं बन पाई। और वो उस समय ऐसा माहौल बन गया कि सपा और भाजपा का आपस में, तो जो हिंदू वोट था भी ये सोच रहा था अगर हम कांग्रेस में चले गए तो भाजपा हमारी हार जाएगी, और मुस्लिम वर्ग जो था वो ये सोच रहा था अगर हम इनके साथ चले गए तो भाजपा जीत जाएगी। तो इस उसमें सामंजस्य नहीं बन पाया, वरना कांग्रेस का प्रत्याशी भी अच्छा था, उसने काफ़ी मेहनत भी की थी और वोट भी मिलने की उम्मीद थी। क्या लगता है अभी ये 5 वर्ष जो बीते हैं नगर पालिका के, इसमें यहाँ के काम से लोग जनता संतुष्ट है या कोई काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए थे जो किए जाने थे? देखिए, जहाँ तक सरोज देवी जो हमारी चेयरमैन थी कांग्रेस से, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास किया है। नमाज ग्राउंड था यहाँ पर एक पुराना, जो कि एक काफ़ी समय से एक कूड़े का ढेर में तब्दील कर दिया गया था, मैं काफ़ी वो था। आज आप उसे जाकर देखिए, जवाहरलाल नेहरू पार्क के हिसाब से उन्होंने इतना उसका विकास किया है, सड़कें बनाई हैं, वहाँ पर फुलवारी लगाई है, आज हज़ारों आदमी सुबह और शाम वहाँ टहलने जाता है, महिलाएँ बच्चे वहाँ पर सुबह शाम बैठते हैं, जाके मनोरंजन करते हैं। हाँ, उन्होंने विकास काफ़ी किया, और जहाँ गली गलियों में नाली और खरंजा जो कि इंटरलॉकिंग करवा दी है, जो आज तक नहीं हो पाई है। कुछ अभी रह गया था, जैसे सौंदर्यकरण होना था पंच चौराहे का, वो पूरा नहीं हो पाया। इस तरीके से कई काम रह गए हैं, वो आने वाले समय में अगर हमारा होता है कांग्रेस का प्रत्याशी तो आगे उसका विकास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इकराम कुरैशी दम भर रहे हैं, बसपा से भी एक जो है मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो मैदान में आने की प्रयास कर रहे हैं, इधर ओवैसी जी की पार्टी से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है जो आपके लिए एक फाइट होगी वो किस तरीके की, आप किस नज़र से देखते हैं उसको? देखिए, जहाँ तक उसका सवाल है कि मुस्लिम का, तो मुस्लिम ओवैसी पार्टी से भी आ रहे हैं यहाँ पर, बसपा से भी आ रहे हैं, सपा से भी हैं, लेकिन जो मेरा जनता के बीच में जिस तरीके से बना हुआ है, लोग जानते हैं, आप अगर मार्केट में भी आए होंगे, चूँकि मैं व्यापारियों से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं व्यापार मंडल का भी जिला उपाध्यक्ष हूं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ हूं और जनता की समय समय पर सेवा करता रहता हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नगर पालिका परिषद का अगर चुनाव होता है तो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर होगी और उसके बीच में कोई नहीं दिखाई देता।
मान लीजिए आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है और यहाँ के लोग आपको चुन लेते हैं, तो वो कौन से 4 से 5 काम होंगे जो आपको लगता है कि सबसे पहले अगर आप चुने जाते हैं तो आप उन कामों को करवाएंगे यहाँ के लोगों के लिए? ये सबसे पहला काम तो ये होगा कि एक तो यहाँ पर बारात घर का निर्माण होना, जहाँ के नौरंगाबाद में वो नहीं हो पाया, वो अधूरा पड़ा हुआ है, वाल्मीकि बस्ती में है। और जो हमारी गरीब जनता है आज 1-1 लाख रुपया 50-50 हज़ार रुपया शादी घरों में जा कर करवाते हैं, जो जैसे कि होती हैं, उसमें एक नगर पालिका की तरफ से निर्माण करवाया जाएगा वाल्मीकि बस्ती में, जो कि गरीब जनता उससे जुड़ेगी, कम पैसों में उनका काम हो जाएगा। दूसरा जो पंत चौराहे का सौंदर्यीकरण रह गया है वो करवाया जाएगा, और यहाँ पर अस्पताल है ये पुराना, यहाँ पर भी काफ़ी गंदगी है, इसमें भी हम नगर पालिका की तरफ से कुछ ऐसा बनवाना चाहते हैं जिससे कि गंदगी भी दूर हो जाए, जनता का भी लाभ हो। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेसी नेता हैं और जो कि तैयारी कर रहे थे और लगातार जो है जुटे हुए हैं कि कांग्रेस का अगर मौका देती है, उन्हें टिकट देती है, तो वो लोगों के बीच में आएंगे और वोट मांगेंगे और प्रयास करेंगे यहाँ से कांग्रेस की सीट को निकालने का। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।